और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने प्रदेश समेत 4 और राज्यों में 53 जगहों पर छापेमारी की है। बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर राजस्थान सहित 4 राज्यों में 53 स्थानों पर छापे मारे गए। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आ गए और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। छापेमारी मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 37 ठिकानों पर छापेमारी जयपुर और कोटपुतली में की जा रही है। जयपुर में निर्माता और सप्लायर के घर, फैक्ट्री, कार्यालय, गोदामों और कोटपुतली में सहयोगियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। इसके साथ ही इनके सहयोगियों के दिल्ली में 8, महाराष्ट्र में 7 और उत्तराखंड में 1 ठिकाना है, जहाँ कार्रवाई चल रही है। मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें किसी भी तरह की फंडिंग हुई हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साल 1950 में उनका फूड का व्यापार था और किसी तरह के चंदा या अन्य तरह का गलत ट्रांजैक्शन नहीं है। मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और पार्टी का वफादार है। मंत्री राजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि आयकर विभाग के सर्च से उन्हें एतराज नहीं है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ इनकम टैक्स की दबिश दी गई है। आखिर क्यों दी गई है, क्या कारण है, उसको लेकर हम जो मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनसे बात करेंगे। सर, आपके यहाँ इनकम टैक्स की दबिश दी गई है, कारण क्या है, क्यों दी गई है? कारण तो आप IT डिपार्टमेंट से पूछो कि मैं उन्होंने किस कारण से दिए, क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, क्या ऐसा कोई घोटाला है, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा। उनके पास कोई शिकायत है या कोई बात है तो हमने सहर्ष सर्च के लिए कहा कि आप आए हैं तो आप सर्च कीजिए। अगर हमारे हम कहीं दोषी हैं तो उसका कानून में जो है उसको हम तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि हमें इनकम टैक्स से हैं, जैसे हमने आप हमारे यहाँ सर्च कीजिए। CM के करीबी, गहलोत जी के करीबी होने के कारण आप पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है क्या? मैं पहली बात तो मैं नहीं सोचता कि कोई करीबी हो किसी के, तो किसी को उससे राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो। अगर किसी की भावनाएं गलत हैं और वो इस तरीके से प्रतिद्वंदता करके हरेसमेंट करना चाहते हैं तो हम दबने वाले नहीं। हम पूरी जिम्मेदार परिवार है हमारा, जिम्मेदार पार्टी है हमारी। माननीय गहलोत साहब एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तीसरा टेन्योर है उनका। कहीं पर भी हम लोगों का कोई इस तरीके का है नहीं। जो वो चाहते हैं कहीं से कहीं तक, हम उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव ने कहा है कि हम बिल्कुल साफ हैं, कहीं से भी कुछ भी जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ओर से किसी तरीके की कोई टैक्स चोरी नहीं की गई है, ना ही किसी तरीके से कोई घोटाला किया गया है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, JP। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आज से कांग्रेस की भारत